देखिए जनसेवक अब सबके द्वार आ रहे हैं और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये गुरुग्राम विधानसभा मेरा परिवार है, मैं इनका जनसेवक हूँ और हर एक के द्वार पे जा रहा हूँ। कलम का निशान हमें जो मिला है वो हम हर एक के द्वार पे पहुँचा रहे हैं और ये कह रहे हैं ना कमल ना हाथ, अब की बार गुरुग्राम वासियों को मिलेगा कलम का साथ। तो हम इसी नारे को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि इस बार गुरुग्राम के लोग किसी पूंजीपति को नहीं, किसी व्यापारी को नहीं, किसी उद्योगपति को नहीं, किसी परिवारवाद से निकले हुए नेता को नहीं, इस बार गुरुग्राम के लोग चाहते हैं एक युवा, एक शिक्षित, एक कर्मठ और जुझारू को बारीकी से देखना हो। और वो आपके बीच मैं अंकित जनसेवक क्रांति पार्टी से हूँ और हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अंकित जी ये बताएं कि अब तक जो विधायक रहे, अगर 10-20 साल की बात की जाए तो गुरुग्राम का कितना विकास हुआ? सर देखिए 2019 में सुधीर सिंगला जी आए, 2014 में उमेश अग्रवाल जी आए, उससे पहले सुखबीर कटारिया जी थे, उससे पहले गोपीचंद गहलोत जी थे। तो 20 साल अलग अलग दलों के नेता रहे, अलग अलग दलों के विधायक रहे, लेकिन बावजूद आज 2024 के अंदर गुड़गांव की जनता को पीने के पानी को तरसना होगा, गुड़गांव की जनता को जलभराव का सामना करना होगा, गुड़गांव की जनता के पास एक अस्पताल नहीं हो ऐसा सामना करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ ये लानत है इन सब के ऊपर, ये लानत है ऐसी सरकार के ऊपर कि जिस गुड़गांव से इतना पैसा वसूलते हैं, जिस गुड़गांव से इतना टैक्स वसूलते हैं, उस गुड़गांव की जनता को नज़रअंदाज करते हैं। और ये तो इनके कहीं ना कहीं इनकी उसमें है, उनके नीतियों में है कि ये इस्तेमाल करते हैं और फैक्ट्री यही भाजपा का इनके नेताओं को यूज़ करके साइड में कर देते हैं, जनता को यूज़ करके साइड में कर देते हैं। भाजपा एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ पैसे वाला, लेकिन अब उनके बीच में एक गरीब परिवार से, एक सामान्य परिवार से उनको एक नवयुवक, शिक्षित युवक मिल रहा है। और मैं अंकित लग आपके चैनल के माध्यम से गुड़गांव की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इस बार आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके बीच का हो, ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके लिए पहली कलम से, क्योंकि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो कलम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ अपनी पहले कलम से मैं अस्पताल बनवाने का काम करूँगा। देखिए लोगों में आक्रोश है, लोगों की उम्मीद इन नेताओं से तो टूट चुकी है, लेकिन इन नेताओं के जो कर्म थे उनका खामियाजा नए लोगों को भुगतना पड़ता है। वो कहते हैं कि आप अभी आ गए हो, हम आपको वोट क्यों दें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होना चाहिए। तो अब जो हमारी टीम जाती है लोगों के बीच में, लोग ट्रस्ट हैं और लोग कहते हैं कि अब की बार हम चाहते हैं कि नए लोग आए। अगर हम यहाँ की आईडी नीचे नहीं करवा सकते विदाउट आईडी कर लो, ओल्ड गुरुग्राम की किसी भी नगर में चले जाए, किसी भी कॉलोनी में चले जाए, आपको समस्या नहीं, समस्या को बाहर मिलेगा, कूड़े के ढेर मिलेंगे, पानी नहीं आता होगा, आता होगा तो गंदा आता होगा, बिजली के खंभे के कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ समस्याएं उनके साथ होती होंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कभी किसी देही, कभी किसी SDO या कभी किसी एक्सेल में जा जाके अपनी सुनवाई कराने की कोशिश करते होंगे। अगर LCG के काम होंगे तो वो ज़रूर वहाँ के धक्के खाके वापस आते होंगे और कहते होंगे हमारे काम होते नहीं, हमारा पार्षद हमारी सुनना नहीं, विधायक को हमारा पता नहीं, आप समस्या है कहाँ की। साहब हमारे पास जितने संसाधन हैं हम उतना काम कर सकते हैं, आपको हम रोड पर मिल रहे हैं वो रोड पर भी नहीं मिलेंगे। अभी मेरे को किसी साथी ने बताया कि आज कमल में मीटिंग चल रही है, टिकट की चर्चा हो रही है, तो मैं उन सभी आप सभी साथियों के माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा एक सर्वे ये भी कराएं कि जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी के दो विधायकों ने निकाले हैं 10 में से कितने कितने नंबर देते हैं, सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं से नंबर लें। अगर नंबर नहीं देते तो अपनी टिकट ही छोड़ दें, बोले नहीं लड़ेगी भाजपा, अगर नंबर देते हैं तो सेम विधायक रिपीट करा के दिखाएं, क्यों टिकट बांटते हैं। आप जनता से के सामने लाए ना, काम किया तो अपने कार्यकर्ताओं से पूछे, या तो भाई विधायक लाएं वोट मिलेंगे पता चल जाएगा, या तो आप देखें अगर उन्होंने काम किया है, आप उनसे पूछे ना सवाल।
कितने नंबर दे रहे हो भाजपा नेताओं को? साहब आप हमसे नंबर ले रहे हैं, आप जाइए ना, आप उनके उनके कार्यकर्ताओं से ही नंबर लीजिए, आप पूछिए, अगर उनको नंबर अच्छे मिलते हैं। विक्रांत जी आप भी घूम रहे हो, विक्रांत जी आप घूम रहे हो, आप सोचिए एक पार्टी में 15 लोग टिकट मांग रहे हैं, वो सारे मानते हैं ना कि हमारे विधायक ने काम नहीं किया, आप बताइए कितने नंबर मिलने चाहिए। अच्छा लोग कितना नंबर दे रहे हैं उनको, क्योंकि आप भी लोगों को जा रहे हैं सामने है, लोग तरसते हैं, लोग कहते हैं हमें विधायक का पता नहीं, आधे लोग किसी का नाम लेते हैं आधे किसी का नाम लेते हैं, यानी कि भाजपा में ही ऐसा है कि कार्यकर्ता उनके जाके काम कर रहे हैं टिकट के लिए, लड़ाई उनकी टिकट की है, लेकिन उनको ये नहीं पता विधायक को। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना।